आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मॉर्नी हिल्स के पास टिकरताल क्षेत्र में दोपहर 12 बजे पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का निरीक्षण करने आना था और इसी के साथ इनका ट्रायल भी देखने पहुंचना था। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने थापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन करना था, परंतु जैसे ही किसान आंदोलन में बैठे किसानों को इसकी भनक लगी तो वो मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए मॉर्नी पहुंचने निकल पड़े। जानकारी के अनुसार आज जैसे ही किसानों ने मॉर्नी में आ रहे मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए चंडी मंदिर लाइट पॉइंट से मॉर्नी की तरफ जाने लगे तो उन्हें पता लगा कि आगे पुलिस ने उनको रोकने के लिए नाका लगा रखा है। किसानों ने पुलिस के साथ भिड़ना ना सोचकर पिंजौर मल्ला मोड़ से होते हुए गांव दमदमा ईश्वर नगर के पास रास्ते गांव मल्ला से होकर गांव चिकन के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही पुलिस को उनकी भनक लग गई और पुलिस ने उन्हें गांव चिकन के पास ही रोकने की कोशिश करते हुए नाका लगा दिया, परंतु जैसे ही किसान अपना रोष मार्च निकालते हुए गांव चिकन में पहुंचे और पुलिस ने उनको जाने से रोका तो इतने में प्रदर्शन में जाते किसान भी भड़क उठे और वहां पर पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हो गई। उसी कहासुनी में पुलिस की कई गाड़ियां भी टूट गई। भारी विरोध के चलते पुलिस किसानों को वहां रोक नहीं पाई और खबर लिखे जाने तक किसान मॉर्नी की तरफ अभी भी बढ़ रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस भिड़ंत में किसानों की तरफ से एक बुजुर्ग भी घायल हुआ है, जिसको लेकर किसान खुद उठाकर मौके से ले गए। वहीं पुलिस की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।